बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे। यकीनन बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर, ना सिर्फ दावत बल्कि मसाला के तमाम ही शोज़ को फॉलो करते होंगे। और आज की रेसिपीज़ की तरफ अगर हम आएँ तो बहुत ही देसी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। आज हम बीफ सीख कबाब बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनेगी माश की खिचड़ी, और हम बनाने जा रहे हैं लाल चटनी जो कबाब के साथ भी बहुत अच्छी जाएगी। और इसके अलावा आप इसको दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या डिफरेंट जो हमारे कबाब हैं शामी कबाब और इनके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। माश की खिचड़ी के साथ भी अच्छी जाएगी क्योंकि खिचड़ी बहुत ही सिंपल और सादी होती है, तो इसके साथ चटनियाँ बहुत अच्छी जाती हैं। ये है हमारा आज का मेन्यू जो हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। सवाल स्टार्टिंग में ही करते चलते हैं। एनएक्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी आयरन है आज आप लोगों के लिए, जिसको आप विन कर सकते हैं। चाहे वो सीख कबाब हो या हम कोई भी कबाब तैयार करने जा रहे हैं, उनको सॉफ्ट रखने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया जाता है, वैसे कोई एक नहीं है, दो से तीन है, सबका अपना अपना अंदाज़ है बनाने का। आप हमें ये बताइए कि आप कबाबों को सॉफ्ट रखने के लिए कौन से अज्जा का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा आज का सवाल है जिसका जवाब आप हमें देंगे कॉल के ज़रिए, और अगर कॉल नहीं मिल पाती तो मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो जल्दी जल्दी आपने फ़ोन उठाना है और अपना जवाब हमें नोट डाउन करवाना है। चलते हैं अब अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं कि आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं उनके लिए हमें अज्जा कौन कौन से चाहिए। यहाँ पर जो हमारी खिचड़ी बनने जा रही है उसके लिए दाल और चावल, माश की दाल और चावल यूज़ करें, इनको लाजमी तौर पर भिगो दीजिएगा। और इसके अलावा जो हमें अज्जा चाहिए उसमें है ऑयल, और साथ ही हम ऐड करेंगे प्याज स्लाइस, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। माश की दाल थोड़ी सी वादी होती है, ज़रूर ज़रूर अदरक का इस्तेमाल करें। कड़ी पत्ते ढेर सारे ऐड करेंगे, नमक, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर, ज़ीरा, साबित लाल मिर्च, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। ऐसा करते हैं कि पहले हम अपना जो ये कीमा है इसको अच्छा सा पीस लेते हैं, और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम मैरिनेशन भी दे देते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी इस खिचड़ी की तरफ। तो शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। बीफ सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा बीफ, तो चिकनी बोटियाँ या चिकना पीस आपने ले लेना है। उसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं प्याज, हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसी हुई इलायची, और हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ धनिया। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। और क्योंकि हम कोयलों पे बारबेक्यू नहीं कर रहे हैं तो हम इसको कोयले की धुनी दे देंगे ताकि एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर भी आ जाए। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ नाइफ, और ये जो हमारी प्याज है पहले हम इसको रफली चॉप कर लेते हैं। आज के सवाल का आपने हमें जवाब देना है कि जनाब वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो हम कबाबों में यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए। तो मैं इसमें प्याज ऐड करने जा रही हूँ। पहले हम थोड़ा सा मसाला ऐड करके चॉपर को चला लेंगे, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है ये हमारे पास जो बोटियाँ हैं, इनको हम इतना अच्छा सा पीस लेंगे कि ये बिल्कुल एक फ़ाइन सा कीमा जो है वो तैयार हो जाए। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, थोड़ा सा रफली चॉप कर रहे हैं ताकि आसानी से ये पिस जाए। सबसे पहले तो मैं इसमें प्याज ही ऐड कर देती हूँ और उसको अच्छा सा चॉप कर लेते हैं। अच्छा, हरी मिर्चों का पेस्ट या तो बग़ैर पानी के आपने तैयार किया हुआ हो तो फिर तो ठीक है, वरना आप इसमें हरी मिर्चें ही ऐड कर दें, और ताकि हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, और प्याज ऐड करने से भी जो हमारे कबाब हैं अच्छी सी उसमें सॉफ्टनेस आती है। तो सबसे पहले तो मैंने प्याज ऐड कर दी और मैं इसमें साबित हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी, तो इसको पीस लेते हैं।
और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये कुछ मसाले, जिसमें हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जनाब प्याज तो हमने इसमें शामिल कर दी, हरी मिर्ची हम इसमें साबित ऐड करेंगे, नमक इसमें जाएगा, इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। कभी भी अगर कबाब बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, जब आप उसको मसाले मिक्स कर लेते हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए ज़रूर निकाल कर कुक करके उसको टेस्ट करके ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये कन्फर्म हो जाए कि आपकी मिर्चें और नमक स्पेशली बिल्कुल ठीक है। वैसे बीफ काफ़ी ज़्यादा मसालों को एब्ज़ॉर्ब करता है, तो नमक और मिर्च आपने इतना ऐड करना है कि आपके कबाब अच्छे से चटपटे से तैयार हों। अच्छा, हमने पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, ये चली जाएगी इसमें, पिसी हुई इलायची ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। वो पीस लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये चंक्स हमारे पास हैं, और उसको हम बहुत अच्छा सा पीस लेंगे। अच्छे से आपने वॉश कर लेना है, या तो चर्बी अलहदा से लेकर इसमें मिक्स कर दें, या फिर आपने चिकना ही पीस ले लेना है। तो इसको भी शामिल कर देते हैं, फिर मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करूंगी ताकि ये बहुत अच्छा सा चटपटा सा तैयार हो। और अच्छा है छन्नी में डाल के रख दें, ताकि किसी भी किस्म का पानी जो है वो उसमें ना हो। ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में मैं इसको बहुत अच्छे से पीस लूँगी, जितना फाइन होगा आपके कबाब उतने अच्छे बनेंगे। हरी मिर्चें सिर्फ ऐड करनी है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी, और जब हम वापस आएंगे तो फिर आ जाएंगे खिचड़ी की तरफ, ताकि थोड़ा सा टाइम हम इसको दें मैरिनेशन के लिए। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने इसमें ऐड की हरी मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, पिसा गरम मसाला, पिसी इलायची, हरी मिर्चें और ढेर सारी प्याज। उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं, तब तक हम आ जाते हैं अपनी माश की खिचड़ी की तरफ। माश की खिचड़ी के लिए आपने माश की दाल को भिगो देना है, चावलों को आपने भिगो देना है। एक पैन में ऑयल गर्म करेंगे, ज़ीरा, साबित लाल मिर्च, कड़ी पत्ता फ्राई करना है, फिर प्याज ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके भून लेना है, और फिर हम उसमें दाल माश, चावल, नमक, चिकन पाउडर और सफ़ेद मिर्च, ये तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक, और सबसे पहले मैं प्याज को ऐड करके तो इसको स्लाइस करके वो कर लेते हैं फ्राई। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए भी निकाल लेंगे, अच्छी लगती है प्याज, चाहे वो बिरयानी हो, पुलाव हो, खिचड़ी हो, लेकिन राइस के साथ प्याज अच्छी जाती है। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद प्याज, और इसको हम कर लेंगे बारीक स्लाइस। सवाल आज का दोहराते चलें उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया हो, आपने हमें ये बताना है कि कबाबों को तैयार करने के लिए जब हम उनको सॉफ्ट रखना चाहते हैं, तो फिर वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो उसमें यूज़ किया जाता है, या आप वो कौन सा मसाला है, वो कौन से अज्जा हैं जो आप उसमें शामिल करती हैं, ये हमारा आज का सवाल है। और अच्छा है कि हम नॉलेज शेयर करेंगे, तमाम लोग अपने अपने अंदाज़ में रेसिपीज़ को तैयार करते हैं, बनाते हैं। और अगर मैं आपको बताती चलूँ तो प्याज भी ऐड की जाती है, इसके अलावा ब्रेड स्लाइसिस शामिल किए जाते हैं, उससे भी कबाब जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट से तैयार होते हैं। बाज़ लोग उसमें खशखाश शामिल करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें, कचरी पाउडर ऐड किया जाता है। शैला हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल आपका? माँ बिल्कुल ठीक ठाक है, हाँ तो हाँ ठीक आए हो? हाँ शुक्र अल्लाह, ठीक है। हाँ मां चाहते हैं तो मां जदी कॉल करनी है, मुश्किल समझनी है, जदी कॉल करनी है तो ना मेल बॉक्स खुला। फाइनली तहां जी कॉल मिली भैया, छा चवण चाहिदव सवाल जो जवाब दियो। हां
साल में बुध कौन मां तो रगो यको लगी के काल मिलाने में न को प्रोग्राम बुधम न कोशा तो चवा पे काल मिले आपदा संगलाया सवाल अज जो इहो आहे त जे करे तहां कबाब ठाहिंदा आहियो त उनके सॉफ्ट रखण जे लाइ केड़ी शय जो इस्तेमाल कंदा आहियो जी छा विझंदा आहियो ब्रेड स्लाइस विझंदा आहियो बसर विझंदा आहियो छा विझंदा आहियो त हो कबाब सॉफ्ट तयार थियन कबाब अच्छा असां ब्रेड जनायो ब्रेड जी हा काल काल को सवाल जो मां जवाब पे देण चाहियो पर काली कान मिली सिर्फ ब कालू ही तमा वर्ती हुई बस मरियम जी एकड़ी खतीजा जी एकड़ी मरियम जी एकड़ी खतीजा जी चले कोई मसला नहीं है उर्दू में भी बात कर लेते हैं ताकि हमारे देखने वाले समझ सकें होता है कभी कभी कॉल नहीं मिल पाती है तो आप क्या कर सकते हैं हमें मैसेज कर सकते हैं काल है तो ड्रेस भी बड़ा सुठो हो तमा ड्रेस भी सुठो हो थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया जी कबाब सुठा पे खायो सीता ट्राई जरूर कजो ठीक है थैंक यू सो मच तहां असाखे कॉल कई आपने हमें कॉल की बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा सिंधी में बातें कर रही थी आप लोगों को शायद इतनी कुछ लोगों को समझ आ रही होगी कुछ को नहीं सवाल का जवाब उन्होंने हमें नोट डाउन करवाया और वो तमाम लोग जो अब तक सिर्फ सोच रहे हैं जल्दी जल्दी हमें कॉल करें सवाल आज का ये है कि कबाबों को सॉफ्ट रखने के लिए आप किस अज्जा का इस्तेमाल करते हैं ये आपने हमें बताना है मैंने इसमें ऐड कर दिया प्याज को क्योंकि प्याज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कड़ी पत्ता और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है साबित लाल मिर्च इसमें चला जाएगा सफ़ेद ज़ीरा बहुत ही ज़बरदस्त सा भगार जो है वो तैयार हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हमने ऐड कर देना है पानी जिसमें हमारी जो ये खिचड़ी है वो तैयार होगी और मैं इसमें थोड़ी सी जो प्याज है वो निकाल के रख लूँगी ताकि हम खिचड़ी को इससे गार्निश करें और ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी फ्राई हुई हुई जो लाल मिर्च है एक दो लाल मिर्च निकाल के रख लेंगे तो चलें हल्की सी हमने रखनी है प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर देंगे बहुत ज़्यादा बिरयानी वाला गोल्डन हमें नहीं चाहिए थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं उसके बाद क्या है तमाम चीज़ों को ऐड कर देना है दाल चावल पानी जो मसाले हैं उसमें भी सफ़ेद मिर्च है चिकन पाउडर है अच्छा जाएगा और अगर आप सब्ज़ी बनाते हैं खिचड़ी बनाते हैं सिंपल बॉयल राइस बनाते हैं तो चिकन पाउडर ऐड करने से टेस्ट जो है वो एनहेंस हो जाता है तो हम वो इसमें ऐड करेंगे नमक हसबे ज़रूरत और हम इसको दम लगा देंगे अफरोज़ हैं कराची से अफरोज़ से बात करते हैं हेलो अफरोज़ अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम बेटा कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप ठीक हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं पहले आपकी जो ट्रिम हुई है ना आप इसलिए एक बात कहती हूँ कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे एंड इफ यू डोंट वांट यू विल फाइंड एक्सक्यूजेस बिल्कुल ऐसा ही तो आपने वो करके दिखा दिया है आप मेरे दुबले होने की बात कर रही हैं जी 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 बिल्कुल ट्रिम मैंने कहा ना काफी ट्रिम हो गई है और बहुत अच्छी लग रही हो बेटा बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा अब मैं आपको जवाब देती हूँ कबाबों का जी जी कि कबाब को सॉफ्ट करने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो कच्ची प्याज है पिसी हुई ठीक है देन कम दही हाँ हाँ और फिर और सॉफ्ट आपको करने हैं तो आप एक दो टेबल स्पून क्रीम डाल सकते हैं चीनी क्रीम 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 डाल सकते हैं ठीक है और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ये आपके कबाबों को इतना लजीज भी करते हैं और सॉफ्ट भी करते हैं और जहाँ तक ब्रेड का सवाल है ब्रेड जो है वो उसका मॉइस्चर सोक करती है ठीक है हाँ तो कबाब खैर बहुत तरीकों से बनते हैं मैं भी कई तरीकों से बनाती हूँ आप वो ये तमाम अज्जा आपने हमें बताए लेकिन आप कौन सा पिक करती हैं या दो तीन मिक्स करके डालती हैं नहीं मेरे ही है, मतलब दो तीन जो वेज हैं घर के स्वीट कबाब हाँ। बनाने की उसमें योगर्ट और कच्ची प्याज जरूर है एंड तली हुई प्याज ठीक है हाँ वो भी जरूर होता है उसमें और एक मैं बनाती हूँ उसमें टोमेटो को भी सीमे के साथ पीसते हैं अच्छा ठीक वो भी बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं
बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज़, आपने हमें कॉल की और हमेशा ही आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ मैंने क्या किया, भगार हमने लगा दिया था, थोड़ा सा निकाल लिया ताकि हम इससे इसको गार्निश भी कर लें, और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ दाल, और साथ ही शामिल कर देंगे राइस, और दोनों को हमने एक साथ पकने देना है क्योंकि दाल को भी हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ हम चाहते हैं कि वो गल जाए और उसका दाना जो है वो खड़ा खड़ा ही रहे। तो दोनों चीज़ें ऐड कर देते हैं, और साथ ही जो स्पाइसेस हैं वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, और इसको पकने देते हैं। चलिए, तमाम चीज़ों को हमने मिक्स किया, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट हसबे ज़रूरत। तो मैंने एक टेबल स्पून लेवल में शामिल कर दिया है सॉल्ट। इसमें हम ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च। एक इंग्रेडिएंट्स मुझसे रह गया, तो मैं क्या करूँगी, उसको हल्का सा फ्राई करके ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैं उसको अलग से पैन में हल्का सा फ्राई करके इसमें ऐड कर दूँगी। ये चला गया इसमें चिकन पाउडर। ब्रेक पर जाना है, मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करती हूँ हल्का सा फ्राई करके, क्योंकि कच्चा नहीं शामिल करेंगे, ये बॉईल होना शुरू हो जाएगी, फिर हमने इसको क्या करना है, जब तक इसमें पानी है इसको पकने देंगे और फिर उसके बाद दम लगा देंगे। आप जल्दी से ब्रेक से वापस आइए, चटनी बनाएंगे, सीख कबाब बनाएंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हमने क्या करना है, जो माश और चावल के साथ हम खिचड़ी बनाने जा रहे हैं उसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये कुकोती रहेगी और उसके बाद हमने इसको दम लगा देना है। यहाँ पर जो कबाब हैं उसको हमने मसाला लगा के रख दिया। ऐसा करते हैं, चटनी बनाते हैं और चटनी बनाने के बाद फिर हम कबाबों को शेप देंगे और उसको सिर्फ हमने फ्राई करना है। तो आज जो ये लाल चटनी बनने जा रही है, वैसे आज का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा सा है। आप माश की और खिचड़ी तैयार करें, उसके साथ आप सीख कबाब बनाएं और साथ में आप सर्व कर दीजिए लाल चटनी, तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेन्यू है। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, लाल चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए साबित लाल मिर्चें, लहसुन, प्याज हम इसमें ऐड करेंगे, ज़ीरा इसमें जाएगा, नमक है, थोड़ा सा ऐड करेंगे हम इसमें ऑयल और हसबे ज़रूरत पानी। तो यहाँ पर जो प्याज है इसको भी थोड़ा सा मैं चॉप कर लेती हूँ ताकि पीसने में हमें आसानी रहे। तो चटनियाँ तो वैसे अच्छी लगती हैं, खानों के टेस्ट को भी बढ़ाती हैं, और इसके अलावा गर्मियों में तो स्पेशली चटनियों का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट चीज़ों के साथ। चटनियाँ हो गई, अचार हो गए, इनका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, ये मैंने इसमें एक अदद मैंने ले ली बड़े साइज़ की प्याज, इसको ऐड कर देते हैं ब्लेंडर में। साथ ही इसमें जाएंगे लहसुन के जवे, और हमने ऐड कर देनी है साबित लाल मिर्च। इसमें हम शामिल करेंगे एक टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और नमक मिर्च हमेशा चटनी में थोड़ा सा खिलता हुआ ही होना चाहिए, क्योंकि चटनी का मकसद ही यही है कि अगर कोई चीज़ कम स्पाइसी है तो हम उसको अच्छा सा स्पाइसी सा बना दें। तो हम इसको मिनिमम पानी के साथ ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे, 2 से 4 टेबल स्पून ऐड करते हैं और इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अगर हमें लगेगा थोड़ी सी और नीड है तो हम इसमें और पानी जो है वो ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको करते हैं, और दादू से फहमीदा की कॉल है, फहमीदा से बात करते हैं, फिर ब्लेंडर की आवाज़ होगी तो हम बात नहीं कर पाएंगे। हेलो फहमीदा, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, आप दादी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं भाई, आप कैसी हैं, कहाँ गायब हैं? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारी शादियाँ हुई थी। बहुत सारी आपकी हो गई? आपकी हुई? नहीं मेरी नहीं हुई। अच्छा, शर्मा गई आप? शर्मा गई आप मेरी बात से? जी जी। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी हाँ। दीजिए।
कच्ची प्याज भी कबाब में इस्तेमाल करते हैं और फ्राई प्याज भी इस्तेमाल करते हैं, दही भी करते हैं। आप क्या करती हैं, सब डाल देती हैं? जी सब डाल देती हैं, कच्ची प्याज, फ्राई प्याज, दही। हाँ, सब उससे बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। अच्छा चले, और बताइए आज क्या बनाया आपने? आज मैंने बनाई बैंगन की सब्जी। किस तरह बैंगन? आलू बैंगन बनाए, प्याजी बैंगन बनाए, फ्राई? प्याज के साथ आलू भी डालें? जी हाँ, आलू भी डालें। चले, और क्या कहना चाहेंगी? और कहना चाहूंगी बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, हम शौक से देखते हैं आपकी रेसिपी भी करते हैं, और आप हिंदी बोलती हैं बहुत प्यारी लगती है ना। अच्छा ये बताएं कि शादियों में कैसा रहा, मजा आया? जी जी बहुत मजा आया, और जागे भी बहुत। जागे भी बहुत ना? जी 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 चले, जागे भी बहुत, यही तो मजा है ना। अब नींदें पूरी कर लें। ये इतना फंक्शन बड़ा, खत्म होने का नाम ही नहीं है। चले क्या बात है, आप कह रही है ना मुझे मजा आ रहा है सुन सुन के। जी जी जी, और क्या कहना चाहेंगी फहमीदा? और यही कि मेरा नाम लकीदा में जरूर शामिल कीजिएगा। ज़रूर शामिल करेंगे, आपने हमें जवाब दे दिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका नाम जो है वो हम लकी ड्रॉ में शामिल ना करें। तो चलें यहाँ पर चटनी पीस लेते हैं और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कबाबों की तरफ। एक से दो टेबल स्पून पानी और ऐड कर देते हैं, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करूँगी, और ऑयल शामिल करने से क्या होगा, चटनी की लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आप इसको फ्रिज में कांच की बॉटल में रखते हैं थोड़ी ज़्यादा भी बना के, और ऑयल ऐड कर दें, थोड़ा सा सिरका शामिल कर दें, तो आपकी चटनी 15-20 दिन तो आराम से चलेगी। थोड़ा सा अब इसमें ऑयल भी शामिल कर देते हैं, ब्लेंडिंग में भी आसानी रहेगी। तकरीबन 2 से 2 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं ऑयल। जब हम ब्रेक पे जाएंगे मैं इसको और अच्छे से ब्लेंड करूंगी, बिल्कुल स्मूथ सी चटनी तैयार कर लेंगे। नमक हम इसका चेक कर लेंगे। कबाबों की तरफ आ जाते हैं, और कोई भी ऐसा टूल हो सकता है आपकी किचन में जिसमें आपको लगे आप कबाब इजीली तैयार कर सकते हैं। वैसे सीख कबाब अगर होल हो तो वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, यानी कि उनके सेंटर में अगर होल हो तो उनका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो आप बग़ैर होल के भी हाथों की मदद से सीख कबाब की शेप दे सकती हैं, लेकिन बहुत अच्छा है कि अगर कोई ऐसा टूल ले लीजिए आप जिसकी मदद से आप उसको तैयार कर लें। कोई 2-3-4 स्कीवर्स मिला के ले लीजिए, या अगर आपके घर में सीख रखी हुई है आप उस सीख का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आपने उसको नॉर्मल पैन में फ्राई कर लेना है, और फिर हम इसको कोयले की जो धुनी है वो तो हमने देनी ही है। तो मैं अब क्या करती हूँ, यहाँ पर जो चावल और दाल की खिचड़ी तैयार हो रही है इसको अब मैं लगा देती हूँ दम, क्योंकि अभी है इसमें थोड़ी सी कसर, तो हम इसको दम पे रख देते हैं ताकि ये अच्छी सी पकनी शुरू हो जाए। मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ और कबाबों को शेप दे देते हैं। आप इन कबाबों को तैयार कर कर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और फिर आप इनको निकालें, थोड़ी सी चटनी, थोड़ा सा सैलड, और आप इसका रोल भी बना के दे सकते हैं। स्पेशली लंच बॉक्सेस अगर आपको तैयार करने होते हैं तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, पराठे में या फिर सिंपल चपाती में, लाल चटनी या हरी चटनी, या फिर अगर मेयोनीज अच्छा लगता है वो भी ऐड किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं ऑयल ले लेती हूँ, उससे ये होगा कि हम बहुत इजीली कबाबों को तैयार कर लेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून ले लेते हैं ऑयल, और हमने कबाब तैयार कर लेने। अगर आपको बड़े साइज़ के चाहिए तो फिर आप बड़े बना लें, क्योंकि श्रिंक बहुत होता है बीफ, तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको और आपकी फैमिली को अच्छा लगता है वैसे आपने तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से कबाबों को तैयार करते जाएंगे, और फिर एक साथ हम इनको कर लेंगे फ्राई।
कोशिश करें कि बारीक ही रहे, बहुत ज़्यादा अगर मोटे कबाब बना लेंगे तो फिर इतने टेस्टी नहीं बनेंगे, थोड़े से पतले होंगे तो अच्छे लगेंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी भी तैयार होंगे, फ्राई करके भी आपको मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा लंबा ज़रूर कर लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, और होलो होगा तो फिर अंदर भी उसके ऑयल जाएगा और वो ज़बरदस्त सा फ्राई हो जाएगा। दो चार कबाब तैयार करते हैं और फिर इसको मैं फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक में इतना करेंगे, चटनी को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, उसको निकाल लेते हैं, वापस आएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से तमाम कबाबों को शेप दे देंगे, फ्राई करेंगे आपके सामने, तब तक खिचड़ी को दम भी आ जाएगा, अपनी फूड को सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। तक वापस आ चुके हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, शेप दे दिया है हमने कबाबों को, जो खिचड़ी है उसको दम लगा दिया है, चटनी हमने सर्व कर दी है, बहुत ही स्पाइसी सी चटनी तैयार हुई है, और यकीनन हमने उसमें प्याज ऐड की तो उसकी बेस की मदद से अच्छी सी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। और अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो कबाब हैं इनको हम फोल्ड करते रहेंगे, टर्न करेंगे बहुत ही एहतियात के साथ। अच्छा, आंच ना तो बहुत ज़्यादा हमने तेज़ रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो, बस इतना कि ये कुक भी होते जाएं और इसके साथ साथ इन पर अच्छा सा कलर भी आ जाए। एक साथ इतने कबाब शामिल मत कीजिएगा कि आपको टर्न करने में मुश्किल हो और फिर आपके कबाब जो हैं वो टूट जाएं। जब आप इन्हें कुक करेंगे तो ये श्रिंक भी होंगे, तो ग्रेजुअली आहिस्ता से कबाबों को फ्राई करते जाएंगे, जितना बड़ा आपका पैन है उसके हिसाब से आप इनको फ्राई करते जाएं। थोड़ा सा सैलड हमने काट लिया है ताकि कबाबों को उसके साथ सर्व करें, और जो सूख प्याज है वो भी मैंने निकाल दी थी, खिचड़ी हमारी दम पर है। एक साथ दोनों चीज़ें ऐड करेंगे तो ना तो आपकी दाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होके गल जाएगी, बल्कि जो माश की दाल है और चावल हैं वो एक साथ गल जाएंगे, दोनों का कुकिंग टाइम ऑलमोस्ट सेम है, तो आपने एक साथ ऐड कर देना है। शैलो फ्राई कर रहे हैं कबाबों को, और उसके साथ ही हमने क्या करना है कि कोयला हमने रख देना है दहकने के लिए, तो ये आ गया जनाब कोयला, और इसको यहाँ पे रख देते हैं, ऐसे रखते हैं ताकि बहुत अच्छी सी इस पर आग आए सेंटर में। चल इसको होने देते हैं। एक आसान सा तरीका है अपने किसी भी चीज़ को बारबेक्यू का ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने का, तो ऐसा करते हैं इसको मैं साइड में करती हूँ और एक दो कबाब इसमें और ऐड करते हैं, साइडों से भी इसको अच्छे से पकाएंगे। और अगर अब तक आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया है तो आपने जल्दी जल्दी हमें नोट डाउन करवाना है, बहुत ही आसान सा आज का सवाल था। आप हमें ये बताएंगे कि वो कौन से अज्जा हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम कबाबों को सॉफ्ट करने के लिए ऐड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तमाम लोग अपने अपने तरह से कबाब तैयार करते हैं, अपना अपना स्टाइल है, तो आप हमें ज़रूर बताइए आप क्या ऐड करते हैं कबाबों को सॉफ्ट रखने के लिए। तो मैं इसमें कुछ और स्पेस है तो एक आध कबाब ऐड कर देते हैं ताकि हम इनको फ्राई भी करते जाएं। बना के फ्रीज़ करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं, चाहें तो फ्राई करके फ्रीज़ कर लें और चाहें तो आप इनको कच्चा फ्रीज़ करें और फिर निकालें और फ्राई करें। मैं इनको चारों तरफ से अच्छा सा कलर दे देती हूँ, अच्छे से सॉफ्ट से कबाब हैं, एहतियात से ही आपने पलटने, और सिंपल चपाती के साथ भी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। अगर थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं तो आप इनको चपाती के साथ सर्व कर दें। अदरक ज़रूर ऐड कीजिएगा माश की दाल की खिचड़ी में, अगर आपको तकलीफ़ कर जाती है, स्पेशली दोपहर में इसका इस्तेमाल करें, रात में मत खाइएगा। और इसके अलावा अदरक ऐड कर दें, अदरक लहसुन तो हमने शामिल किया ही है, चॉप कटी हुई ढेर सारी अदरक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक अदरक प्लेटर ले लेती हूँ और तैयार हुए हुए कबाब निकाल लेते हैं। अक्सर लोग बारबेक्यू के आइटम सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ड्राई होते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें कि जो मीट है उसके अपने जूसेस ख़त्म हो जाएं।
कॉलर हैं उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक, मेरी फर्स्ट बार कॉल मिली है आपके शो पे। पहली बार आपकी कॉल मिली है, क्या कहना चाहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ, आप बहुत पसंद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पसंद करती हैं, आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं। ठीक है, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी बताएं। आज का सवाल ये है कि कबाबों को सॉफ्ट रखने के लिए आप किस अज्जा का इस्तेमाल करते हैं? कबाबों को सॉफ्ट रखने के लिए अंडा भी इस्तेमाल होता है, मकई का आटा भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और मैदा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आप क्या ऐड करते हैं? मैं तो अंडा इस्तेमाल करती हूँ। अंडा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपके सवाल का जवाब हमने नोट कर लिया है, और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? कचनार गोश्त बनाना सिखा दें। कचनार गोश्त? जी ठीक है, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है और इसको प्लान में ज़रूर ऐड करेंगे। और पास्ता बनाना सिखा दें कोई वेजिटेबल। पास्ता तो हर थर्सडे को अमूमन हम तैयार करते हैं, या फिर किसी भी दिन, लेकिन एवरी वीक हम पास्ता बनाते हैं, आप ज़रूर देखा करें। जी ज़रूर, ठीक है। बहुत आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत दिनों बाद मेरी कॉल मिली, मैं काफ़ी अच्छे से ट्राई कर रही। चलें, फाइनली आपकी कॉल मिल गई, आपका जो जवाब है वो हमने नोट डाउन कर लिया है। कबाब फ्राई हो रहे हैं, इनको निकालते हैं, और चटनी तो हम सर्व कर ही चुके हैं। कबाब फ्राई करके खिचड़ी को हम डिश आउट कर देंगे, और अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया है आपने उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। पेज भी मैंने कल ही देखा, कल की हमारी रेसिपीज़ पेज पे अपलोड की जा चुकी हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला रेगुलर रेसिपीज़ जो हैं वो पेज पे अपलोड होंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ भी अगर आपसे मिस हो जाता है, रह जाता है, तो हमने आपकी इस शिकायत को भी जनाब दूर कर दिया। और यहाँ पर थोड़ा सा ही और फ्राई होता है, इसको टर्न करते हैं, दोनों चीज़ों को सर्व करते हैं, मेरे ख्याल में ब्रेक ले लेते हैं, रिकैप ब्रेक है, मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। इसको हम क्या करते हैं कि हमने कोयला ऐड करना है, तो मैं कोयला ऐड करके और फिर इसको लेकर चलते हैं टेबल की तरफ, सेंटर में रख दीजिए कहीं पर भी जहां आपको बेहतर लगता हो, और मैं तो उसको कवर नहीं करूंगी ताकि आप बहुत अच्छे से देख लें, वरना आपने क्या करना है, इसको ऐड करके और इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक दीजिएगा ताकि बहुत अच्छी सी इसकी जो स्टीम है वो आ जाए, और किसी भी किस्म की चिकनाई आपने इस पर ऐड कर देनी है, घी हो सकता है, ऑयल हो सकता है। और अब निकाल लेते चटनी, हम सर्व कर चुके हैं, साथ ही हम खिचड़ी जो है मैं उसको और निकाल लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है घर में कोई बीमार हो तो आपने खिचड़ी तैयार करनी है, और स्पेशली वेदर चेंज हो रहा है तो अच्छा लगता है सिंपल सिंपल सा खाना, स्पेशली दोपहर में, तो ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। और अक्सर हम सोचते हैं दाल अलग बनाएं, चावल अलग बनाएं, तो क्यों ना मज़ेदार सी खिचड़ी तैयार कर ली जाए। और ज़रूरी नहीं है आप खिचड़ी सिर्फ़ और सिर्फ मूंग की दाल की तैयार करें, चने की दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। आज हमने माश की दाल की खिचड़ी बनाई, मसूर की दाल की भी खिचड़ी बनाई जाती है, लेकिन क्योंकि उसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, तो आपने हाफ टन जब राइस हो जाए फिर आप ऐड करें मसूर की दाल, लेकिन ज़रूर बनाएँ। एक सस्ता तरीका है प्रोटीन को हासिल करने का, दालें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, छिलके वाली दालों के साथ भी खिचड़ी बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी सुर्ख प्याज जो हमने इसके भगाड़ में से ही निकाल के रखी थी, और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी ज़रूर आपने बनानी है, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और मैं आपको बताती चलती हूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तड़का में बनेगा जनाब देसी घी रोस्ट, और इसके साथ ही बनने जा रही है मसालेदार मछली। बहुत ही टेम्प्टिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और वो तमाम लोग जो
वेट कर रहे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया कॉल्स की या मैसेजेस किए। तो मैं बताती चलूं कि नजमा हैं फैसलाबाद से, जिन्होंने आज विन किया है, एनएक्स की ज़बरदस्त सी आयरन है। तो बहुत बहुत मुबारक हो नजमा आपको, आपने विन किया और आज ऑलमोस्ट तमाम लोगों के जो जवाब थे वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन विनर तो एक ही होता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो नजमा आपको मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। वक्त भी हो चुका है, अब आप लोगों से इजाज़त ली जाए। उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।